हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक हैं। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा या जो 26 जुलाई जो ऑफिशियल डेट नीट की या NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखी है, तो क्या एग्ज़ाम उसी डेट पर होगा? तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या एग्ज़ाम होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो उसके रीजंस क्या-क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, जो नीट का जो एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई को होने वाला है, जैसा कि NTA ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बता दिया है। तो बात ये आती है कि क्या सच में ये COVID-19 की जो ऐसी सिचुएशन, जो वर्स्ट सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से दिन ब दिन जो केसेस है वो कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं, अप टू 18,000 19,000 केसेस जो हैं वो पर डे आ रहे हैं, तब भी क्या गवर्नमेंट चाहेगी या NTA चाहेगी कि जो एग्ज़ाम्स हो उसे कंडक्ट कराया जाए? तो इससे पहले हम कुछ और एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं कि वो एग्ज़ाम्स, जैसे कि अगर जो नेशनल लेवल पे और जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम DBT JRF की, ICMR JRF। ठीक है, तो इसको हम लोग को रिलेट करेंगे नीट के एग्ज़ाम के साथ। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि जो DBT JRF का एग्ज़ाम होने वाला था और साथ ही साथ ICMR JRF का भी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अब हालांकि उनमें जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो कम है। ठीक है, अब देखिए, बात ये देखने वाली है कि जब ये DBT JRF का और जो ICMR JRF का एग्ज़ाम है, जब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है, बल्कि इसमें जो सेंटर्स थे या हमको बोल सकते हैं जो बच्चे थे उनका जो नंबर है वो काफ़ी कम था, अगर हम इसका कंपेयर करें नीट के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, तो ये जो ICMR JRF का एग्ज़ाम था इसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ICMR की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे बताया गया है कि ICMR का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में तो होगा ही नहीं। ठीक है, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जुलाई में कोई भी एग्ज़ाम DBT का चाहे हो चाहे वो ICMR का एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो इस जो उन्होंने अपने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बोला है, तो उसका क्या मतलब है? तो उसका यही सीधा सा मतलब है कि वो लोग जुलाई में फिर से असेस करेंगे कि जो नंबर ऑफ केसेज या COVID-19 की जो सिचुएशन है वो कैसी है इंडिया में। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि ये जो एग्ज़ाम है वो आफ्टर जुलाई वो क्या देखेंगे कि जो इसका जो कर्व है COVID-19 का ये कैसा आ रहा है, वेदर द केसेज आर स्टिल इंक्रीजिंग और नॉट। आफ्टर दैट दीज ICMR जो हायर अथॉरिटी वाले जो लोग हैं वो एक अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेंगे और उसके बाद ही वो कोई एग्ज़ाम की जो डेट है वो अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गया ICMR एग्ज़ाम के बारे में, DBT एग्ज़ाम के बारे में। तो उन एग्ज़ाम्स को ही पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब बात ये आती है कि जैसे इन एग्ज़ाम से बहुत ही कम जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वहीं अगर हम बात करें नीट एग्ज़ाम की, तो नीट एग्ज़ाम में जैसे कि आपको पता है कि 14-15 लाख स्टूडेंट्स वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, वो एग्ज़ाम, उन्हें एग्ज़ाम देना है। तो सोचिए, अगर 14-15 लाख स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम देंगे तब क्या होगा? अगर ये किसी एक को भी इन्फेक्शन हुआ तो इससे कितना ज़्यादा चांसेज है कि पूरे इंडिया में कितने ज़्यादा और केसेज इंक्रीज हो सकते हैं। और मेनली जो बात क्या है कि इसमें जो सिम्टम्स है, बहुत से 80% लोग ऐसे हैं जिनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है, वो क्या कहते हैं, दे आर एक्टिंग एज अ कैरियर। ठीक है, तो अगर NTA ये एग्ज़ाम कराती है, कंडक्ट कराती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख वाली बात रहेगी, क्योंकि ये बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ होगा। ठीक है, क्योंकि जैसी सिचुएशन अभी चल रही है COVID-19 की, तो अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो सच में बहुत ही बुरी कंडीशन आने वाली है आने वाले दिनों में, अगर ये एग्ज़ाम होता है। अब ICMR और DBT वालों ने क्या किया, उन्होंने बहुत सोच समझ के सबको स्टूडेंट्स के बारे में सोचा है और पूरे जितने भी नागरिक हैं इंडिया के सबके बारे में सोच समझ के उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है कि अभी इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, अब उन्होंने वेट करेंगे वो कब ये जो COVID-19 जो सिचुएशन है कब वो नॉर्मल होगी, उसके बाद ही वो कोई डेट जो है अनाउंस करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है DBT और ICMR वालों ने। ठीक है, अब वही बात करते हैं हम लोग नीट के बारे में। तो नीट को भी ये इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देना ही चाहिए, क्योंकि जैसी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर ये एग्ज़ाम हुआ तो सच में इंडिया में बहुत ही जल्दी केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि हम सबको पता है इंडिया में 130 करोड़ जो पॉपुलेशन है। ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट 4.5 जो लैक ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं। ओके, तो टोटल नंबर केसेस ऑलमोस्ट अबव 4 लैक हैं। ठीक है, अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, भले ही NTA ने बोला है कि वो क्या करेंगे, जितने भी जैसे कि जो भी सैनिटाइज़र होंगे या
ये सब चीज़ें होंगी जिससे कि वो पूरा सैनिटाइज करेंगे रूम वूम। तो ये सब चीज़ों ने बोला कि वो टोटल उसका केयर करेंगे, लेकिन तब भी उन्होंने ये क्या बोला है कि जो भी बच्चे आएंगे, ठीक है, अगर बच्चे भी जाएंगे तो वो अपना मास्क लेके जाएंगे, अपना सैनिटाइजर लेके जाएंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें लेके जाएंगे, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो बात ये आती है कि अगर उसमें किसी भी एक बच्चे को इन्फेक्शन हुआ तो उस सेंटर में, ठीक है, आप सेंटर बहुत सारे होंगे पूरे इंडिया, नेशनल लेवल का एग्जाम है, अगर एक सेंटर में भी अगर एक बच्चे को हुआ तो वो पूरे सेंटर में हो जाएगा। अब वो बच्चा कैसे ट्रेवल किया है, कैसे आया है, वो भी किसी को नहीं पता, ठीक है। हालांकि इसी को देखते हुए क्या हुआ है, बहुत से जो स्टेट्स हैं उनमें क्या किया, लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया 31 जुलाई तक, ठीक है। अब बात ये भी आती है कि जब लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, तब जो बच्चे हैं वो कैसे जाएंगे, जब कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो बच्चे कैसे जाएंगे, ये भी बात है ना। क्योंकि बहुत लोग क्या है जिन्होंने सेंटर जो है अपना अभी भी चेंज नहीं किया है, वो चेंज नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो वो बच्चे कैसे एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। तो बात ये भी आती है कि जब वो बच्चे ट्रांसपोर्ट ही नहीं चल रहा, पूरा लॉकडाउन चल रहा है अदर स्टेट्स में, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा एग्ज़ाम्स में अपियर होना भी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं, बहुत से पेरेंट्स तो डरे हुए हैं कि अरे अगर हम अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे तो कहीं उसे कुछ इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, पढ़ाई के चक्कर में तो वो तो बेचारा कहीं कुछ इन्फेक्टेड हो गया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसका तो इलाज भी बहुत कोई इसका कोई इलाज भी नहीं, अभी भी वैक्सीन का जो ट्रायल्स है वो चल रहा है। और मेन चीज़ जितने अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो बेचारा वो तो बिल भरते ही मर जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इतना ज़्यादा बिल ले रहे हैं, इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 70,000 पर डे, तो मिडिल क्लास फैमिली तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। तो इसीलिए जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ही चिंता में हैं कि अगर एग्ज़ाम होता है 26 जुलाई को तो वो कैसे भेजेंगे, अगर उन्हें इन्फेक्शन हो गया कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग कि कौन जिम्मेदार होगा, गवर्नमेंट, सब बोलेंगे गवर्नमेंट जिम्मेदार है या एनटीए जिम्मेदार है, एनटीए ने क्यों एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। इसीलिए बहुत लोग जो पेरेंट्स से अपील कर रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है कि जैसे क्योंकि बहुत सी स्टेट्स में बहुत सा लॉकडाउन जो है वो 31 जुलाई तक कर दिया गया है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सी स्टेट्स में जो लॉकडाउन है वो 31 जुलाई तक कर दिया गया है। अब जब लॉकडाउन ही 31 जुलाई तक है तो एग्ज़ाम तो होना ही नहीं है, 99.99% जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा अकॉर्डिंग टू मी और द सिचुएशन विच इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया, ओके। तो मैं उसकी बेस पे बोल रहा हूँ कि जैसी सिचुएशन चल रही है और साथ ही साथ जैसा जो चीज़ें चल रही हैं इंडिया में, जैसे कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चल रहा है, चलेगा क्योंकि लॉकडाउन ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुंच जाएंगे। अब सबको सब अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बहुत मिडिल क्लास फैमिली वाले होंगे वो अपने उनके पास ना ही कार होती है, बहुत से बच्चे के पास ना बाइक होंगी उनके पेरेंट्स के पास, तो वो कैसे एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए लगते हुए हम लोग को लग रहा है कि स्पेशली मुझे ये लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है ये पोस्टपोन होगा, क्योंकि जब आईसीएमआर और डीबीटी का एग्ज़ाम जो है जब वो पोस्टपोन हुआ है तो ये नीट का एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन नहीं होगा, बल्कि अगर नीट का एग्ज़ाम होगा तब तो और ज़्यादा खतरा है इन्फेक्शन बढ़ने का, क्योंकि ये बच्चे रहेंगे सब, ये इतना प्रिकॉशन नहीं लेते, जैसा कि हम लोग को पता ही है कि 12th स्टैंडर्ड तक बच्चे उतने ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, इसीलिए जैसे आईसीएमआर जेआरएफ डीबीटी जेआरएफ का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया है, तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू माय व्यू कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो भी 99.99% पोस्टपोन होगा, और अगर एनटीए इसे पोस्टपोन करेगी तो इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन, इट शुड बी पोस्टपोन, बिकॉज हम लोग स्टूडेंट्स की जो लाइफ है उसे दाव पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उनके पेरेंट्स की लाइफ, बहुत सी लोग इंटरकनेक्टेड, तो इट इज़ टोटली इट इज़ लाइक अ चेन, ओके। तो इट इज़ लाइक अ चेन, अगर एक को इन्फेक्शन हुआ तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उसकी फैमिली को होगा, फिर उसकी फैमिली से उसके मोहल्ले को होगा, ऐसे करके दूसरे मोहल्ले को होगा, ऐसे करके ये फैलता जाएगा। तो अभी भी जितने लोग बचे हुए हैं अगर ये एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि टोटली जब आप ही सोचिए 15 लाख स्टूडेंट विल गिव दिस एग्ज़ाम, ओके, 15 लाख, तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, ओके। और नो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं है, तो कैसे जाएंगे बच्चे एग्ज़ाम देने, ये सब चीज़ें, फिर कितना वो प्रिकॉशन लेंगे ये भी नहीं पता सबको कि वो प्रिकॉशन उतना ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। और जो एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाएंगे, हालांकि एनटीए ने बोला है कि वहाँ पे वो पूरा प्रिकॉशंस लिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन तब भी अब जिन बच्चों के अंदर कोई सिम्टम्स है ही नहीं, अब सपोज अगर किसी को करोना है, ठीक है, मेनली 80%
जो पीपुल है दे आर एसिम्प्टोमेटिक, मतलब उनके अंदर कोई लक्षण ही नहीं आते, उनके अंदर वायरस रहता है लेकिन उनके अंदर कोई लक्षण नहीं आते, कोई सिम्टम्स नहीं आते उनके अंदर। अब अगर वो बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देने चले गए, ठीक है समझ रहे ना, वो तो एसिम्प्टोमेटिक है। आप ये लोग याद रहा था क्या करेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे बस, आपका टेम्परेचर मेजर करेंगे, अगर टेम्परेचर आपका नॉर्मल है तो दे विल इजली अलाउ यू टू एंटर एंड गिव एग्जाम। बट इफ़ दे आर एसिम्प्टोमेटिक, इफ़ दे आर एक्ट एज अ कैरियर, अगर वो कैरियर हैं ठीक है, तब क्या होगा, वो तो पूरे फैला देंगे पूरे सेंटर पे, एग्जाम सेंटर पे पूरा सबको इन्फेक्ट कर देंगे, कोई थर्मल स्क्रीनिंग भी उसे नहीं पकड़ पाएगी जब तक उसका PCR टेस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक कोई नहीं बता सकता कि उसे कोरोना है कि नहीं है। सबसे मेन दिक्कत इस वायरस के साथ यही है, क्योंकि ये वायरस क्या है, ये माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स आते हैं इसमें, जो यंग पीपल है उसमें माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स आते हैं। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम या कोई भी डायबिटीज ये है या लंग प्रॉब्लम है, तो उन्हीं में जो ये सिम्टम्स है वो सीवियर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो यंग बच्चे होंगे उनमें क्या होगा, दे मे बी ए सिम्टोमेटिक, उनके अंदर इतने लक्षण आएंगे नहीं, ठीक है। जब लक्षण नहीं आएंगे तो वो तो एग्ज़ाम देने जाएंगे, और एग्ज़ाम देने जाएंगे फिर वो एक से दूसरे में फैलाएंगे, दूसरे में से तीसरे में, ऐसे करके पूरी चेन बन जाएगी, समझ रहे हैं ना आप। तो इसीलिए ये बहुत ही रिस्की है, तो मेरी ये अपील रहेगी इस गवर्नमेंट से या NTA से कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। आप बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, ये एग्ज़ाम हम लोग जब जो COVID-19 सिचुएशन होगी वो अगर जब नॉर्मल होगी या उसका जो कर्व अगर वो फ्लैट आना स्टार्ट हो जाए उसके बाद ही इस एग्ज़ाम को रखा जाए, या जब तक कोई भी इसका अल्टरनेटिव या वैक्सीन नहीं आ जाती है जब तक इस एग्ज़ाम को कंडक्ट ना कराया जाए, क्योंकि इससे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्या रीजंस हैं, अगर नहीं होना चाहिए तो क्या रीजंस है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, ताकि जितने ज़्यादा बच्चे हो सके उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।